चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिएस्टर के बारे में बात की थी, जो एक सिंथेटिक फाइबर है और उसके कई एग्जांपल्स भी हमने किए थे, लाइक टेरिलीन एंड पीईटी। नाउ एक्रेलिक। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो दे अपीयर टू रिसेम्बल वूल। सो हम जब विंटर में स्वेटर्स एंड शॉल्स पहनते हैं या ब्लैंकेट यूज करते हैं, तो ये सब वूल के जैसे ही लगते हैं, पर वो असल में वूल नहीं होते बट उसके जैसे लगते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ओके, सो ये एक्रेलिक से बनते हैं, जो वूल के जैसा रिसेम्बल होता है पर वो एक्चुअली में वूल नहीं होता। दैट इज सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. So, wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. So, wool जो हमें natural sources में मिलता है वो expensive होता है, but acrylic क्योंकि वो synthetic fiber है तो वो cheap होता है, यानी सस्ता होता है। They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. So, synthetic fibers जो है वो cheap है, सस्ते है compared to natural fibers. इसलिए वो ज़्यादा popular है and durable भी है, टिकाऊ भी है compared to natural fibers. इसलिए synthetic fibers बहुत popular है और demand में है. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers in class 7. What did you observe when you burn synthetic fibers? You find that behavior is different from that of the natural fibers. So, आपने activity की होगी class 7 में कि natural fiber को burn करना है, तो आपको पता चलेगा कि उसका जो behavior है जब वो burn होता है, तो जो उसका behavior है वो नेचुरल फाइबर से अलग होता है। क्या होता है कि जब आप सिंथेटिक फाइबर को गर्म करोगे तो वो मेल्ट होगा। यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सो सिंथेटिक फाइबर को गर्म करोगे आप तो वो पिघलेगा। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। सो अगर आग लग जाती है हमारे कपड़ों में, हमने सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ कुछ भी पहना हो और आग लग जाती है, तो वो हमारी स्किन से स्टिक हो जाएगा, हमारी स्किन से चिपक जाएगा, तो हमें भी बर्न होगा। इसलिए सिंथेटिक फाइबर हम लेबोरेटरी में या फिर कुक करते हैं जब किचन में, तो हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहनना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। The fabric smells and sticks to the body of a person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. So, laboratory या kitchen में जब हम काम करते हैं तो हमें synthetic fiber से बने हुए कपड़े पहनना avoid करना चाहिए। Now, topic 3.3 characteristic of synthetic fibers. So, उसके गुण क्या है, characteristic यानी उसके गुणधर्म क्या है synthetic fibers के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो गर्म करने पर वो हीट होता है तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है या फिर कुछ और होता है, ये सब हम कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ेंगे। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। द ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। इसे अंडरलाइन कर देना, ये सब एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स के। वो जल्दी सूख जाता है जो सिंथेटिक फाइबर है वो, एंड ड्यूरेबल है यानी टिकाऊ है, एंड कीमती नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप है। रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। सो देयर इज अ एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.2, वो एक बार रीड कर लेना। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन नेचुरल फैब्रिक्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। सो आपको पता चलेगा जो सिंथेटिक फाइबर्स है, सिंथेटिक फैब्रिक्स है, वो कम टाइम लेते हैं सूखने में कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स।
What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fabrics. So, आपको आपका parents को पूछना है कि जो हमारे घर में synthetic fibers का बना हुआ जो articles है, कोई भी चीजें है या कपड़े है, वो कितना ज्यादा टिकाऊ है comparison to natural fibers, और उसके characteristic के बारे में आपको पढ़ना है.